स्वागत दोस्तों, सत श्रीकाल जी। मैं रमनदीप सिंह एक बार फिर हाजिर हाँ तो अपने चैनल रमन इंस्टीट्यूट से। सो अज इस क्लास के आप डिस्कस करेंगे जी पोलीटल साइंस का नैक्सट टॉपिक, जिस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का जोड़ा पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे। सो दो पार्ट के आप डिवाइड करेंगे इसमें, क्योंकि एक दे कुछ बेसिक जो प्रेजिडेंट लैके व्यवस्थावान ने वो बारे डिस्कस करेंगे, और इस तो बाद जो प्रेजिडेंट रहे है भारत के उन्होंने बारे आप डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता कि सैशन थोड़े लिए काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रह रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी वाइट बोर्ड में लेके इशू रहा हो, बट फिर भी उम्मीद करता हाँ कि तुहानू जो कुछ भी मैं करवाऊंगा वो काफ़ी ज़्यादा हैल्पफुल रहा होगा, सीखने के तुहाडी वो मदद करता होगा। ओके, सो ये सारिया ही क्लासे तुहानू सारे ही एग्जाम के लिए हैल्पफुल रहनगियां। इस तो अलावा इन दी PDF प्लस थ्योरी क्लास जी है प्रॉपर, जेकर आप गल करिए तो ऐप के उपर मिल जाएगी। रमन इंस्टीट्यूट तो ऐप है जी, तुम डाउनलोड कर लेना है। सो एक दो दिन तक थोड़ी जी टैक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इस करके हो सकता है तुहाडे कोल ऐप ओपन ना हो, पे ना हो, तुहाडे कोल क्लास शो ना हो रही हो। सो कुछ एक दिन तक सैट हो जाएगा, उस तो बाद फिर प्रॉपर आप जो है वर्क करना शुरू कर देवे। ओके, सो पोलीटिकल का है जी इंडियन पॉलिटी का जोड़ा यह पार्ट रहेगा, जिस दे विच आपां प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट जोड़ा है उसमें डिस्कस करांगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी भी कह सकते हैं इस पार्ट में आप। ओके, शुरुआत करते हैं कि साडे भारत दे विच जिहड़ा प्रेजिडेंट है वह किहड़ी व्यवस्था के अधीन आउंदा हैगा गा, अते आपां इसनूं किस चीज़ के विच ऐड करांगे। आपां एक लास्ट पार्ट पढ़िया सीगा, छोट जी वीडियो पई सी, जिस दे विच मैं सरकार दे तुहानू अंगां दी गल कीती सी, सरकार दे पार्ट्स दी गल कीती सीगी। ठीक है, उन्हां सरकार दे पार्ट दे विच आपां गल कीती सीगी विधानपालिका दी, विधानपालिका। ओके, जिसका मुख काम की सीगा जी कानून बनाउणा, जिसका मुख काम की सीगा कानून बनाउणा। ये आप सभा तो राज सभा जी है वह पढ़नी हैगी। इस तो बाद दूसरा है जी अपने को कार्यपालिका, कार्यपालिका जी है यदा मुख काम होंगे है कानून लागू करना। ठीक है, कानून लागू करना जोड़ा है इस शामिल होंगे है। कार्यपालिका जी है ये दो तरह की होंगी हैगी। ओके, दो तरह की होंगी हैगी अगी, जिस एक होंगी है ना मात्र कार्यपालिका। ओके, दूसरी होंगी है असली कार्यपालिका, इन्होंने आप अगर डिस्कस करा, फिलहाल एक बार शॉर्ट इन्होंने तुम ऐड कर लो। ओके, तीसरा अपने को पार्ट से जी सरकार का, जिस आप डिस्कस करना सीगा न्यायपालिका। ओके, तीसरा पार्ट सीगा साडे कोले न्यायपालिका। तो इन्हां तिन्नां दे विचों अज दा जिहड़ा अपना पार्ट रहना हैगा गा वो है जी इन्हां दे विचों कार्यपालिका। कार्यपालिका आपां नूं सेंटर लेवल दे उपर भी देखण नूं मिलदी है, तो स्टेट लेवल दे उपर भी देखण नूं मिलदी है। अज दी क्लास दे विच आपां संघी कार्यपालिका यानी कि सेंटर दी जिहड़ी एग्जीक्यूटिव है उस दे बारे डिस्कस करांगे। ओके, संघी कार्यपालिका, संघी कार्यपालिका का मतलब की है जी कि इस दे अधीन आप सेंटर की कार्यपालिका लवेंगे, क्योंकि यह स्टेट के अंडर भी आती हैगी अगी, स्टेट के भी इसकी जी भूमिका है वह रही हैगी अगी, इस करके आप उस उस भी शामिल करांगे, अते नाल ही जिहड़ा है इनू आप सेंटर के अंडर भी कवर करांगे। हाँ जी, संघी कार्यपालिका की गल करते हैं, संघी कार्यपालिका जी है यह दो तरह की होंगी हैगी अगी, पहला ही दस चुका हाँ। एक नूं कहा जाता है ना मात्र कार्यपालिका, ना मात्र कार्यपालिका। ओके, एक नूं कहा जाता हुंदा है गा असली कार्यपालिका, एक नूं कहा जाता हुंदा है असली कार्यपालिका। ना मात्र ते असली कार्यपालिका दे विच की डिफरेंस है, पहले आपां इस दे उपर फोकस करदे हां। ओके, ना मात्र कार्यपालिका की है कि वो सिस्टम जां वो राजनीतिक प्रणाली जिस दे अंडर संविधान दीआं सारीआं शक्तियां आउंदीआं हैगीआं, सारीआं पावर जिहड़ीआं वो आउंदीआं हैगीआं ने, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने सारीआं शक्तियां ना मात्र कार्यपालिका नूं सौंपीआं होईआं नेगीआं। ते भारत दा ना मात्र कार्यपालिका जिहड़ा है वह है जी भारत दा राष्ट्रपति, वो है साडे भारत दा राष्ट्रपति। साडे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारियां पावर्स जिहड़ियां उह राष्ट्रपति नूं सौंपीआं होईआं नेगीआं कि उह इन्हां शक्तियां नूं मतलब अप्लाई करेगा, अते इस तों इलावा देश दे विच जिहड़ा है सारियां व्यवस्थावां नूं बना के रखेगा। इह सारियां शक्तियां राष्ट्रपति कोले रहिंदीआं हैगीआं ने। दूसरी साइड ते आ जांदी है जी असली कार्यपालिका, असली कार्यपालिका दे विच आउंदी है जी मंत्री मंडल जां मंत्री परिषद। ओके, अते उहनां दा हैड प्रधानमंत्री, अते उहनां दा हैड प्रधानमंत्री इस दे विच शामिल हुंदा हैगा गा।
ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਤਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸਦਾ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪਾਲਕਾ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋਰੀ इस संघी कार्यपालिका के आपां अज दा टॉपिक रखांगे जी भारत दा राष्ट्रपति जो कि ना मात्र कार्यपालिका है जाने कि साडे संविधान दीआं सारीआं शक्तियां जिहड़ीआं नेगीआं ओह राष्ट्रपति दे कोल हैगीआं नेगीआं पर ओह इन्हां शक्तियां दा जिहड़ा इस्तेमाल है ओह नहीं कर पाऊगा हाँ जी राष्ट्रपति भारत दा सारे तकरीबन जानते हैं राष्ट्रपति दे बारे जो भी स्टडी दे नाल जुड़े हुए बेसिक जे कंसैप्ट लगभग सब नूं क्लीयर हैगे ने सो आपां उहनां तों शुरू करांगे बेसिक स्ट्रक्चर तो ही कि राष्ट्रपति किस तरीके दे नाल चुनिया जाता है राष्ट्रपति की व्यवस्था किहड़े आर्टिकल दे विच है जां की योग्यतावां होणियां चाहीदियां सारा कुछ इस दे विच हो जाऊगा ठीक है शुरुआत करदे आं राष्ट्रपति दे पहले पॉइंट तो कि भारत दा इक राष्ट्रपति होवेगा भारत दा इक राष्ट्रपति होवेगा इस दी व्यवस्था कीती गई है आर्टिकल 52 दे विच सेंटर दे अंडर है क्योंकि केंद्र दे विच सब तो पहले रैंक दे उपर जेकर आपां गल करिए तो राष्ट्रपति ही आउंदा हैगा आर्टिकल 52 दे विच मेंशन किया गया है कि भारत दा एक राष्ट्रपति होवेगा जी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बहुत अधिक आउंदा है जी पेपरां दे विच इस वाल कि भारत दे राष्ट्रपति दी व्यवस्था किस आर्टिकल दे विच कीती गई है तो आर्टिकल 52 दे विच भारत दे राष्ट्रपति दा जिक्र किया गया कि भारत दा एक राष्ट्रपति रहेगा ओके यही राष्ट्रपति है जी जिहड़ा कि भारत का पहला नागरिक कहावेगा फस्ट सिटीजन कहावेगा ओके फस्ट सिटीजन जिहड़ा है वह कहावेगा जी क्योंकि पहला नागरिक जिहड़ा है भारत के अकाउंट किया जाता है गगा वह साडा भारत का राष्ट्रपति हुंदा है गगा अते नाल ही जिहड़ा भारत का राष्ट्रपति है यह कार्यपालिका का मुखी है जी ना मात्र का ओके कार्यपालिका का मुखी है जी वह भी ना मात्र का कार्यपालिका कहां दी हैगी अते भारत का जिहड़ा भी शासन प्रबंध चलता है भारत का जिन्ना भी कुछ जिहड़ा मतलब चलता है राजनीतिक तौर के उपर वह सारा राष्ट्रपति के नाम के उपर हुंदा है सिंपल भाषा च गल करिए तो भारत का शासन प्रबंध जिहड़ा है भारत का शासन प्रबंध यह सारा किसके आधार के उपर चलता है जी किसके नाम के उपर चलता है राष्ट्रपति के नाम के उपर चलता है गा आर्टिकल 52 के सब कुछ आप इनकलूड कर सकते हैं क्योंकि सारा देश का जो शासन है वह राष्ट्रपति के हाथ के होंदा है पर वो असल इन्हां शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता होंदा आप पहले गल की है कि उसके मंत्रिमंडल की जी सहायता लेनी पवेगी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जी 52 नैक्सट है जी आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 हालांकि सीरियल वाइज होने से बट मैं कुछ इसके अकॉर्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग तो मैनशन कर दूंगा ओके सो आर्टिकल 58 आर्टिकल 58 दे विच कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति बनन का अधिकार किसनों दिता जाऊगा तो कौन इस दे विच शामिल हो सकता है ठीक है जाने कि सिंपल भाषा की गल करिए तो इस दे विच योग्यतावां का जिहड़ा है वह जिक्र किया गया है ठीक है योग्यतावां का जिक्र किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के कोल की योग्यतावां होनिया चाहीदियां ने योग्यतावान के जेकर आप गल करिए बहुत ईजी टाइप दियाँ जो तो याद कर जरूरत नहीं पर एक उन्होंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह योग्यता हैगी है कि भारत का जोड़ा राष्ट्रपति है वो जी एज है वह घट तो घट 35 साल होनी चाहती है ओके 35 साल होनी चाहती हैगी फिर इस तो अलावा वह भारत का नागरिक होना जरूरी है भारत का नागरिक होना जरूरी है गा इस अलावा किसी भी लाभदायक पदवी के उपरों विराजमान नहीं होना चाहिए लाभदायक पदवी मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब के उपर काम नहीं करता होना चाहिए ठीक है नाल ही किसी तरह का वह दिवालिया या किसी तरह का कोई पागल नहीं होना चाहिए उस दे विच लोक सभा का मैंबर बनने की योग्यता होवे लोक सभा का मैंबर बनने की योग्यता लोक सभा का मैंबर बनने की योग्यता उस दे विच शामिल होनी चाहिए है सो इस दे विच शामिल हो जाती है इस दियां कुछ प्रमुख योग्यतावां नेगियां
ध्यान देने योग है कि लाभदायक पदवी के सिर्फ गौरमेंट सर्विस ने जिन्हें स्पैसिफिक सैलरी आती है। ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल जो मैंबर ने कहते उन्होंने इन्हों लाभदायक पदवियों के ऐड नहीं करते हैं गे कहते गौरमेंट नहीं है गे बट बाकी सारिया जिन्हिया भी छोटिया मोटिया है जिदा तो मतलब एज ए सैलरी मिलती है जिम्मे क्लर्क हो टीचर हो या कोई भी मतलब प्रोफेसन है जिसके बदले तो सैलरी मिलती हैगी है तो उत्थे जोड़ा है इसनों अपलाई नहीं कर सकते तो छड़नी पैनी है कि जिम्मे सरपंच की चोन के लिए भी जोड़ा है अपनी लाभदायक पदवी यानी कि अपनी गवर्नमेंट जॉब में छड़ दिया तो इतने भी तो इस तरीके दे नाल ही जोड़ा है वो करना पेगा। ओके हाँ जी हम योग्यता की गल हो चुकी है योग्यता तो बाद नैक्सट चलते हैं कि योग्यता तो बाद पॉइंट आएगा साढ़े को भारत के राष्ट्रपति की जी चोन है वो किस तरीके होगी तो कौन इस एड होगा तो किसान वोट पाने का अधिकार होगा। ओके राष्ट्रपति की चोन हाँ जी ये रिलेटेड आर्टिकल है जी आर्टिकल 54 54 नंबर आर्टिकल के जिक्र किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति की जी चोन है वह किस तरीके दे नाल होगी किसनों चुना जाएगा की उसका जो मैथड रहेगा वो सारा कुछ इस मैनशन किया हुआ है गा। अच्छा एक चीज़ होर हो सकता है कि तुहाडे कोले जिहड़े अपने अक्षर ने थोड़ा विजिबल ना होण क्योंकि वैसे तो मैं HD के ही बनाया है पर फिर भी जे तुहाडे कोले विजिबल नहीं होंदे हैगे तो तुसीं सैटिंग दे विच जाके अपना रेजोल्यूशन जिहड़ा है वो जरूर बढ़ा लिया करो ताकि तुहानू जिहड़े ये अक्षर ने जो शब्द ने वो चंगी तरह जिहड़े वो दिखाई दे सकन। ठीक है मतलब इशू ना रखियो कि अक्षर नहीं दिखाई देंदे क्योंकि मतलब बनाई है काफ़ी मेहनत के नाल फिर भी ध्यान रखा करो। हाँ जी राष्ट्रपति की चोन की व्यवस्था आर्टिकल 54 के की गई हैगी लेके कई सारे सवाल होंगे तो कि राष्ट्रपति की चोन पार्टिसिपेट कौन करता है राष्ट्रपति चोन किहड़ी विधि के नाल हुंदी है राष्ट्रपति किस मैथड के नाल चुनिया जाता है किसन वोट पाने का अधिकार हुंदा है किसन नहीं हुंदा सारे सवाल इस दे विच आ जाते हैं। राष्ट्रपति की जिहड़ी चोन है उसनू चोन करन दे लई एक चोन मंडल हुंदा है। ठीक है चोन मंडल हुंदा है गा जिसनू इलैक्ट्रल कॉलेज कहिंदे हैगे आगे इलैक्ट्रल ओके इलैक्ट्रल कॉलेज कहिंदे हैगे उसनू ये करता है जी एक चोन मंडल हुंदा है जिहदा मुख काम है भारत के राष्ट्रपति की चोन करना भारत के राष्ट्रपति चोन दे विच ये चोन मंडल जिहड़ा है वह शामिल हुंदा है तो इस चोन मंडल दे विच शामिल कौन कौन हुंदा है जी लोक सभा के मैंबर शामिल हुंदे हैगे इस दे विच सारे दे सारे इस दे विच राज्यसभा के सारे दे सारे जिहड़े मैंबर है वह शामिल हुंदे हैगे इस दे विच राज विधानसभा के जिहड़े मैंबर हैगे ने वह सारे दे सारे शामिल हुंदे हैगे अगे। ओके इतने हम ध्यान देने योग गल है कि राज विधानसभा के मैंबर इस सारिया स्टेटा के होंगे है गे। ठीक है राज विधानसभा के मैंबर जोड़े है गे वो सारिया स्टेटा भाव वर्तमान समय 28 राज्यों के अकॉर्डिंग 28 के 28 राज इस शामिल होंगे जो भी राष्ट्रपति की चोण करते हैं गे प्लस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लस इस आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के राष्ट्रपति की चोन के पार्टीसपेट कर सिर्फ दो ही केंद्र शासित जोड़ा है अधिकार मिले है यूटी मिले है वह हैगी जी दिल्ली पांडुचेरी दिल्ली पांडुचेरी जी है जी इसनों अधिकार दिता गया है कि वह राष्ट्रपति के चोन के पार्टीसपेट कर सकते हैं बाकी कोई भी यूनियन टेरेटरी जी है वह राष्ट्रपति की चोन के हिस्सा नहीं लेंदे होंगे ध्यान देने योग गल है जी। ठीक है स्पैसिफिक तो मतलब एक क्वेश्चन आता हूँ है कि राष्ट्रपति चोन के हिस्सा कौन नहीं लेंदा। ठीक है तो तुम दिल्ली तो पांडुचेरी छड़ के बाकी जिन्हिया यूनियन टेरेटरी ने ऐड कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी तो आऊगा। ठीक है तुम वो अकॉर्डिंग इसको सही कर सकते हैं क्योंकि हाँ जी चोन मंडल करेगा पर उदे तो भी एक जरूरी एक होर फैक्टर हुंदा है कि राष्ट्रपति का जिहड़ा नाम है वह लोक सभा के मैंबरां द्वारा जिहड़ा हैगा गा 50 मैंबरां दे द्वारा नॉमीनेट होना जरूरी है। ठीक है 50 मैंबरां ने जिहड़ा है लिखती रूप दे विच जिहड़ा है उन्हां नूं मतलब नॉमीनेट कीता होवे कि असीं नामजद किया हो असी इस मैंबर राष्ट्रपति की चोन के लिए जोड़ा है एलिजिबल मानते हैं तो असी इस चोन लड़ा चाहते हैं 50 मैंबर जरूरी ने जी 50 मैंबरों तो जेकर घट होगा तो उस व्यक्ति चोन लड़न का अधिकार जो नहीं दिता जाऊगा क्योंकि यह जरूरी है कि 50 मैंबर का जोड़ा है उत्थे मतलब नामनेट किया होना चाहिए है फिर उन्ना ही 50 मैंबर के द्वारा बाद उसू जो है बहुमत के नाल पास किया होना चाहिए कि हाँ जी बाकी मतलब ये व्यक्ति जोड़ा है चोन लड़न के काबिल है सो ये भी इस शामिल हो जाऊगा। ओके राष्ट्रपति की जी चोन होंगी
ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਚੁਣਦੇ ਆ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ 54 ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਵਿਧੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਓਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਓਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਸਿੰਗਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਰੀ ਬਦਲਵੀ ਵੋਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਝਗੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਟ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਰਹੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 56 ਧਾਰਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਊਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ ਜਿਨ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਨੋਰਮਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਅੰਗੇ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਓਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ
15,000 रुपया जड़ा है वह जमानत के रूप के जमा करवाना पेगा। इतने मतलब कुछ लिमिट रखी होंगी कि तकरीबन 6% के करीब जेकर वोटा पै जाने नेगी फिर तो 15,000 रुपया वापस मिल जाएगा। जेकर इस तो घट पैंती है तो तुम जोड़ा है जरकार जी है वह 15,000 रुपया जब्त कर लेगी कि उन्हें मतलब एक तरह की सीट रोकी है बट उन्होंने वोटा ना नहीं मिली जिसके कारण करके वह 15,000 रुपया जब्त जोड़ा है हो जाता है। ठीक है, इलेक्शन हो चुकी हैगी। नैक्सट अगे गल आती हैगी है कि जो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है ओके चुनने तो बाद सहु कौन चुका है आर्टिकल 60 के कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति सहु कौन चुकावेगा जी तो किस को जिम्मेवारी हैगी। भारत के राष्ट्रपति सहु चुका की जी जिम्मेवारी हैगी जी वह है जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज की ओके सहु की जी है जी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज को जोड़ा है जी इस शक्ति जोड़ा है रख्या गया है कि जो भी कित राष्ट्रपति की चोण होगी तो उसको सहु चुका का काम जोड़ा है वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज का रहेगा। इतने नाल भी याद रखना है कि कई बार इस तरह की स्थिति भी हो जाती है कि उस समय के उपर जो राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है मौजूद नहीं होंगे तो उस स्थिति के क्वेश्चन आया हुआ स्पैशली याद रखियो कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज कई बार ना हो उ राष्ट्रपति सहु चुका पेगी तो फिर उत्थे कौन चुकावेगा उसकी गैरहाजरी के जिहड़ा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा निर्धारित किया गया नियुक्त किया गया होगा। ठीक है, सो वह सहु चुकावेगा नियुक्त किया गया व्यक्ति जोड़ा है वह सहु चुकावेगा। वह कोई भी हो सकता है उन्होंने डिपेंड करता है कि वह किसान बनावेगा जी। ठीक है, सीनियर जज होगा या किसी होर नियुक्त करेगा तो वो आधार के उपर सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति तो सहु चुका सकती हैगी अगे जोड़ा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज के द्वारा चुनिया गया है। ओके, याद रखना है स्पैशल इस अलावा। हाँ जी, नैक्सट है जी अगे कि जोड़ा राष्ट्रपति चुन लिया गया है इसको सहु चुका दी गई है। सहु दो तरह की होंगी है, एक गुप्तता की सहु होंगी हैगी है एक आंदे की सहु होंगी हैगी। आंदा मतलब जो भी है किसी भी तरह का चाहे वह राष्ट्रपति का चाहे प्रधानमंत्री का है चाहे चीफ मिनिस्टर का है। ठीक है, सो उस तो अलावा एक गुप्तता की होंगी है कि कोई मीटिंग जी होंगी उस तो बाद कोई उसको बाहर ना शेयर करे सो ये अलग तो ऐड होंगे है उन्होंने आप गुप्तता की सहु के नाम जोड़ा है वह जानते हैं अगे। ठीक है, नैक्सट आता जी कार्यकाल। कार्यकाल सो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होंगे है ये 5 साल तक होंगे है गा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक होंगे है ये 5 साल तक जोड़ा है अपने आंदे के बनया रह सकता है गा, पर किसी स्थिति के इसमें जोड़ा है पहला भी हटाया जा सकता है गा किसी कारण करके खुद भी जोड़ा है वो हट सकता है गा। सो डिपेंड करती है तो मतलब कि स्थिति है उसके आधार के उपर जोड़ा है इसको हटाया भी जा सकता है। ठीक है, कार्यकाल जोड़ा है वह 5 साल का है। तकरीबन सारे ही रैंक्स जोड़े है गे वो 5-5 साल वाली है। तो भारत के आप प्रमुख गल करिए कला राज्यसभा छड़ के राज विधान परिषद को छड़ के सारे का कार्यकाल जोड़ा है 5-5 साल है बट राज विधान परिषद और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल है। ओके, हाँ जी, हुण यह स्थिति हो चुकी है कि आप चुन लिया है गा चुनों तो बाद 5 साल चुन लिया गया है तो वो सैलरी जी है वह तकरीबन 5 लाख रुपया पर मंथ रही हैगी। ठीक है, सैलरी जी है उसकी 5 लाख रुपया महीना प्रति महीना जी है वह रही हैगी जी। यह लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग है जेकर आप बिल्कुल गूगल के अकॉर्डिंग गल करिए 8 लाख ही सैलरी शो कर रहा है गा। हुण कि सही इस बारे आप कुछ नहीं कह सकते पर हुण तक के जो पेपर उन्होंने अपना 5 लाख का सही हुंदा सीगा पर लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मतलब कि गूगल के उपर यह अपडेट की हुई है कि 8 लाख सैलरी कर दी गई है भारत के राष्ट्रपति की। ओके, हाँ जी, हुण आपां अगला पॉइंट जिहड़ा है वो इस तो भी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा क्योंकि उस दे विचों बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे है कि जिहड़ा इह राष्ट्रपति का रैंक है एक कदों तक बनया रह सकता है तो जेकर कई बार इस तरह की स्थिति होगी कि राष्ट्रपति हटाना पै जाए तो उसकी जगह पर कौन काम करेगा तो किस तरीके काम करेगा वह पॉइंट अगले आ जाते हैं। ओके, देखो वैसे तो इसमें जोड़ा है 5 साल चुन लिया जाता है पर कई स्थितियां ने जिस दे विच जोड़ा राष्ट्रपति है समय तो पहला जोड़ा है वह हट सकता है। ठीक है, 3 स्थितियां देखने को मिलनगिया सानू इस स्थिति दे विच जिहदे आधार के उपर राष्ट्रपति अपने आउंदे तो पहला जोड़ा है हट सकता है। ओके, पहली स्थिति दे विच की है कि जेकर वो त्याग पत्र दे दिंदा है रिजाइन दे दिंदा है। ठीक है, जेकर राष्ट्रपति जोड़ा है त्याग पत्र दे दिंदा है तो इस स्थिति दे विच जोड़ा है राष्ट्रपति का रैंक खाली हो जाएगा समय तो पहला। हो सकता कि राष्ट्रपति पसंद ना आए होगा तो रैंक कि मैं राष्ट्रपति नहीं बनना चाहता सीगा पर बन गया इसलिए फिर उसकी जगह के उपर जोड़ा है मतलब नवा व्यक्ति जोड़ा है वह चुनिया जाता है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जोड़ा अपना त्याग पत्र देता है जी वो त्याग पत्र अपना
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज नूं जिहड़ा सॉरी उपराष्ट्रपति नूं जिहड़ा है त्याग पत्र दिंदा है अपना उपराष्ट्रपति नूं। ओके उपराष्ट्रपति नूं अपना त्याग पत्र दिंदा है। आर्टिकल 70 दे विच इसका जिक्र किया गया है। ओके कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जिहड़ा है वह अपना उपराष्ट्रपति नूं देवेगा। नाल ही इह चीज़ भी मैनशन की गई है कि जदों इह चीज़ उपराष्ट्रपति नूं उन्होंने सबमिट कर दी कि मैं अपना जिहड़ा है अस्तीफा देना चाहुंदा जां त्याग देना चाहुंदा हैगा जां मतलब कि रिजाइन देना चाहुंदा हाँ, तो यह उपराष्ट्रपति फिर अगे खबर करेगा जी लोक सभा के स्पीकर नूं, लोक सभा के स्पीकर नूं खबर करेगा जी कि भाई साडा राष्ट्रपति तां आउंदा छड्डण जा रहा है, हुण उहदी जगह ते नवीं चोण करवा दिओ ताकि जिहड़ा है असी उस आउंदे नूं खाली ना होण देईए। सो इह जरूरी हो जांदा है, इह पहला स्टैप है जिस स्थिति दे विच 5 सालां तों पहलां जिहड़ा है सीट खाली हो जाएगी। ठीक है, दूजी स्थिति दे विच की है कि राष्ट्रपति का देहांत हो गया है, मौत हो गई है। ओके जां फिर ये भी कह सकते हाँ कि राष्ट्रपति जिहड़ा है किसी कारण करके विदेश गया होया है जां फिर बीमारी की स्थिति दे विच तो इस स्थिति दे विच भी की है राष्ट्रपति का जिहड़ा आउंदा है वह हो सकता है कि कुछ क समय लिए खाली हो जाए। उस कुछ क समय लिए जो खाली समा रहेगा जां खाली शीट रहेगी उहनूं भरन दे लिए एक व्यवस्था की जाती है जिसनों कहा जाता है जी कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति हुंदा है जी जदों कितने कोई सीट खाली हुंदी है तां तुरंत उहदी जगह दे उपर जिहड़ा है उस व्यक्ति नूं चुन लिया जांदा हैगा तां कि उस सीट नूं खाली ना होण दित्ता जावे। हुण इत्थे भी याद रखना है कि इस स्थिति दे विच कौन इस आउंदे नूं संभालूगा जो कार्यवाहक तौर दे उपर अपनी भूमिका निभावेगा। कार्यवाहक तौर के उपर सब तो पहला चांस दिता जाऊगा जी उपराष्ट्रपति नूं, क्योंकि दूसरे स्थान के उपर जेकर आप गल करिए तो उपराष्ट्रपति ही आउंदा है। कई बार उपराष्ट्रपति हो सकता है कि मौजूद ना हो, किसी काम के बिजी हो, कोई होर मतलब किसी तरह की प्रॉब्लम हो, फिर इस जगह के उपर दूजा स्थान आता है क्योंकि जी सुप्रीम कोर्ट के मुख जज का। फिर इस तो बाद चांस दिता जाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख जज को, जिमें कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी रहा है एम हदायतुल्ला, सो उसनों जो राष्ट्रपति बनाया गया से ना, सो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के मुख जज को। जेकर कई कारण करके हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का मुख जज भी मौजूद नहीं है तो तीजा चांस दिता जाता है जी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को जिहड़ा है मौका दिता जाता है गा। सो इस तरीके ने तीन पड़ा आते हैं, नॉर्मली पहले या दूजे के कवर हो जाता है, पर फिर भी जेकर इस तरह की स्थिति बिगड़ जाऊगी कि दोनों परसन पहले नहीं है तो अगे फिर सीनियर जज जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट का उसनों आंदा जिहड़ा है वह संभाल दिता जाऊगा। ठीक है, एम हदायतुल्ला इसकी एग्जाम्पल है, बेस्ट तुसीं याद रख सकते हैं जिसके आधार के उपर आप कह सकते हैं कि बई जो उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं होगा तो उस स्थिति के सुप्रीम कोर्ट का मुख जज उसनों संभाल सकता है उस आंदे नूं। तीजी स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट तीजी स्टेज है कि जदों संसद जिहड़ी हैगी राष्ट्रपति नूं हटा दिंदी हैगी है, जदों संसद राष्ट्रपति नूं हटाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया है वह शुरू करदी हैगी है। इस तीजी प्रक्रिया दे विच आउंदा है जी महादोष दा मुकदमा। ओके मुकदमा जिसनों के अंपीचमेंट कहा जाता है जी। ओके अंपीचमेंट कहा जाता है गा, याद रखना है कि इसकी व्यवस्था आर्टिकल 61 दे विच है। आर्टिकल 61 दे विच इसका जिक्र किया गया हैगा गा कि भारत के राष्ट्रपति नूं जिहड़ा हैगा गा बई उसके कार्यकाल तो पहला भी हटाया जा सकता है। यह शक्ति हैगी संसद दे कोले, यह शक्ति हैगी संसद दे कोले, संसद जिहड़ी हैगी जे वह राष्ट्रपति नूं उसके कार्यकाल तो पहला हटा सकती हैगी। वेरी इंपॉर्टेंट सानू बहुत वधिया क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति महादोष के मुकदमे द्वारा हटाया जा सकता है, पर यह कंसैप्ट असी लिया कितों हैगा गा, यह कंसैप्ट असी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया होया हैगा गा। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन तो लिया होया हैगा गा। इस तो अलावा जेकर आप गल करिए कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा ये आंदा भी असी जिहड़ा है वह यूएसए तो ही लैता है, इस करके सारिया प्रक्रियावां जिहड़ियां तकरीबन उहदे नाल ही मिलदियां ने, पर शक्तियां दे पक्षों ये उन्ना कामयाब नहीं है जां उन्ना पावरफुल नहीं हैगा गा, ये आप स्पैशली जिहड़ा है वह याद रखना है। ओके हाँ जी, यूएसए के संविधान तो कंसैप्ट लेता हैगा गा जिसके आधार उपर असीं जिहड़ा है राष्ट्रपति नूं उहदे कार्यकाल तो पहला हटा सकते हैं। सो इहदे लई सब तो इंपोर्टेंट रोल अदा करती है जी संसद। संसद जिहड़ी है इहनूं तीन पड़ावां दे विच पूरा करदी हैगी है। संसद है लोक सभा ते राज सभा तो मिलकर बनी हुई, इस करके दोनों दे विच जिहड़ियां प्रक्रियावां वह शुरू हुंदियां नेगियां। सो पहला लोक सभा बुलाया जाऊगा, ठीक है,
दूसरी संसद का हिस्सा आ जाऊगा जी राज्य सभा। जरूरी है कि दोनों के मतलब ये मता पास हो फिर ही जिहड़ा है राष्ट्रपति नूं महादोष के मुकदमे द्वारा हटाया जा सकता है। जेकर कोई दोष लग्या है उसके उपर ठीक है तो दोष जेकर साबित हो जाऊगा फिर ही हटाया जा सकता है। नहीं कि मतलब मता शुरू कर लिया तो हटा दे तू, नहीं इस तरह नहीं होगा। जेकर उहदे उपर वह दोष वाकई ही साबित हो जाता है बहुमत मिल जाता है तो उस स्थिति दे विच जिहड़ा है उसनों बाकी हटा दिता जाऊगा। इस दे विच स्पैशल हैगा गा। हाँ जी अच्छा हुण ध्यान रखना है कि जदों असीं राष्ट्रपति नूं हटाउणा है तां संसद दे किसी भी सदन चाहे लोक सभा च शुरू कर लवो सैशन चाहे राज सभा दे विच कर लवो कोई इशू नहीं हैगा पर शुरू करना जरूरी है चाहे राज सभा चो कर लो चाहे लोक सभा दे विचों कर लवो। तां लोक सभा दे विचों शुरू कर दे आपां एग्जाम्पल के तौर उपर। सो पहला स्टैप की होगा कि लोक सभा दे 1/4 मैंबर जिहड़े हैगे आ गए ठीक है 1/4 मैंबर जिहड़े हैगे आ जी इसनूं लिखती नोट्स देणगे लिखते नोट्स देने कि जी असी तुहानूं हटाउणा चाहुंदे आ सानूं तुहाडे विच इह नुक्स देखण नूं मिलिया है इस करके असी तुहानूं हटाउण जा रहे हैगे। इह पहला स्टैप हैगा 1/4 मैंबरां दा जिहड़ा है सहमति होनी जरूरी है लिखती नोट्स देने जी कि हाँ जी इन्हां व्यक्तियां ने कम किया इस करके असी इसनूं हटाउण जा रहे हैगे। ते नाल याद रखना है कि यह लिखती नोट जिहड़ा है ये 14 दिन पहलां देना जरूरी है 14 दिन पहला देना जरूरी है। जेकर वो मौके पर कहेंगे कि हट जाओ भाई घर रहो आपका हुण तां जिहा पॉसीबल नहीं है पहला उन्होंने 14 दिन पहला नोट्स देना पेगा कि हाँ जी बई तुहाडे ते दोष लग्या है ते असी तुहानूं अप्रूव करदे आ हुण असी तुहाडे प्रशासन जिहड़ा शुरू कर जा रहे हैं ठीक है मतलब कार्रवाई शुरू करन जा रहे हैगे। ये 14 दिन पहला दिता जाऊगा। फिर इस तो बाद नैक्सट स्टैप की होगा फिर लोग सभा के जिहड़ा है बई शासन शुरू होणगे मतलब मीटिंगां होणगियां बैठक होगी फिर बैठक के हाजिर मैंबरां का 2/3 बहुमत हाजिर मैंबरां दा 2/3 बहुमत मिलना जरूरी है। जेकर हाजिर मैंबरां दा 2/3 मैंबरां दा बहुमत मिल जाता है तो फिर तीसरा स्टैप हुंदा है राज्य सभा दे विच फिर तीसरा स्टैप हुंदा है राज्य सभा दे विच उत्थे फिर एको स्टैप ही हुंदा है जिसका मतलब है कि 2/3 बहुमत जिहड़ा है उन्हां नूं मिल जाऊगा। जेकर इत्थे भी इन्हां नूं 2/3 बहुमत मिल जाता है तो इस स्थिति दे विच जिहड़ा है राष्ट्रपति नूं उहदे आउंदे तो हटा दिता जाऊगा ठीक है। इस स्टैप हैगे नेगे 3 जिन्हां दे अकॉर्डिंग जिहड़ा है ये कम करदे हैगे नेगे ओके। हाँ जी हुण तुसीं याद रखना स्पैशली कि जदों राष्ट्रपति नूं हटाउणा तां दोनों के विचों किस दे विच भी आपां जिहड़ा सैशन आ शुरू कर सकते हैं कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जे इसे नूं आपां राज सभा दे विच कर दिता 2 स्टैप जिहड़े राज सभा दे विच होणा सी तां 1 स्टैप जिहड़ा सीगा इधर लोक सभा दे विच चलना सी मतलब जदों भी शुरू करांगे तां 3 स्टैपां दे विचों गुजरना जरूरी है उस तों बिना जिहड़ा संपूर्ण नहीं मन्निया जाऊगा। जेकर अजिहा हो जाता है तां इस स्थिति दे विच जेकर साबित हो जाता है कि वाकई उसने कोई क्राइम किया तां उस स्थिति दे विच जिहड़ा है राष्ट्रपति नूं उसते आउंदे तों हटा दिता जाऊगा ओके। हाँ जी हुण 3 स्थितियां हो चुकिया ने जिहदे विच महादोष दा मुकदमा हो गया है त्याग पत्र हो गया है जां उसका देहांत हो गया है ते जां फिर उसने खुद अस्तीफा जिहड़ा है दिता है जां किसी बीमारी कारण करके वह शीट खाली कर चुकिया है। इत्थे सब तो वड्डा सवाल आउंदा है कि वह शीट जिहड़ी खाली हुंदी हैगी आ फिर उहनूं किन्ने समें दे विच भरना जरूरी हुंदा है ठीक है किन्ने समें दे विच भरना जरूरी हुंदा है तां 6 महीनियां दे अंदर अंदर जदों कोई शीट खाली हो जांदी है ठीक है 6 महीनियां दे अंदर नवीं चोण करवाउणी लाजमी हुंदी आ नवी चोण करवाउणी लाजमी हुंदी आ यह जरूरी है 6 महीनों का ही टाइम जिहड़ा है वह दिता होया हैगा हर एक चोण नूं चाहे वह कोई भी चोण है किसी भी तरह की चोण है जिवें कि लास्ट ही अपने पंजाब दे विच संगरूर सीट के उपर होया सीगा जिथों सिमरजीत मान जिहड़े वह जिते सीगे लोक सभा तो पहला भगवंत मान सीगे है ना सो उन्होंने मतलब अस्तीफा दिता सी क्योंकि चीफ मिनिस्टर बन गए सी तां लोक सभा की सीट खाली हो गई सी उहदी जगह ते संगरूर सीट तो फिर सिमरजीत मान जिहड़े वह जिते सीगे ना सो उहदी एग्जाम्पल है कि 6 महीनों के भरनी जिहड़ी वह जरूरी हुंदी हैगी सीट मतलब बेशक उत्थे कोई कार्यवाहक व्यक्ति चुन लिया गया है राष्ट्रपति चुन लिया गया है पर चोण फिर भी होवेगी ही होवेगी 6 महीनों के अंदर अंदर 6 महीनों तो वादा टाइम नहीं लै सकते हैं आप 6 महीनों के अंदर अंदर जी नवी चोण होगी जिस तो बाद नवा प्रेजिडेंट जिहड़ा है वह चुन लिया जाएगा और फिर उसनों जिहड़ा है एज ए प्रेजिडेंट रूप के एक्सैप्ट कर लिया जाएगा ओके। ऐसी कुछ राष्ट्रपति के नाल संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जिहड़े कंसैप्ट ओके। इस तो अलावा याद रखना हैगा कि राष्ट्रपति का जिहड़ा कंसैप्ट हैगा ये असी अमेरिका के संविधान तो लेता है ठीक है अमेरिका के संविधान तो लिया हैगा इस दे विच स्पैशली ऐड कर लेना है अमेरिका के संविधान तो असी इसनों लिया है गा।
ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਕੁਝ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕੋ। ਓਕੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।